सिनेट किचन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पनीर पराठा रेसिपी, जो बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप कभी बनाकर खा सकती हैं, खिला सकती हैं। तो हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम पनीर पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे हम स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसे हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, इसका पनीर का स्वाद अगर पराठा का बनाना है तो प्याज थोड़ा ज़्यादा लीजिए, इससे बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। तो इसमें धनिया पत्ती थोड़ी सी हमने बारीक काट लिया है और 3 हरी मिर्च लिया है। आप अगर तीखा जितना खाते हैं उतना ले सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम मैश। देखिए, हमारा स्टफिंग बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम पराठा में बनाकर दिखाएंगे, तो उसके लिए हम नॉर्मल रोटी का आटा ही। तो देखिए, हमने सॉफ्ट नरम आटा गूँथ लिया है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे रोटी के लिए हम गूँथते हैं। तो अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने गैस पर नॉनस्टिक पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और हमने घी लिया है। आप अगर चाहें तो बटर में बना सकते हैं। तो चलिए, गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम दिखाते हैं पराठा बनाना। तो देखिए, इस तरह से हम आटे के लोई से बाटी के से बना लेंगे, और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और इसे एक एक करके हम पराठा तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने एक पराठा बनाकर पैन पर रख दिया है, और देखिए इस तरह से ब्राउन को भरना है। आप जिस तरह से मोटा पतला अगर बनाना चाहें उस तरह से, ज़्यादा अगर बड़ा या मोटा बनाना हो तो लोई को थोड़ा बढ़ा लीजिए, और इस तरह से इसका मुंह बंद कर दीजिए। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। इसमें एक तरफ से हो गया, थोड़ा सा हुआ है, तो इस पर हम घी लगा देंगे। कितना अच्छा फूल गया है और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है पनीर हमारा पराठा। इस तरह से हम सारे पराठे अपना